नमस्कार, ट्रेंड फ्रीक में आपका स्वागत है। हेलो व्यूअर्स, आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। वर्षों पहले पर्दे पर आई फिल्म हेरा फेरी में बॉलीवुड अभिनेताओं की जादुई तिगड़ी ने सभी को खूब गुदगुदाया था। अक्षय कुमार, परेश रावल और सुनील शेट्टी स्टारर फिल्म हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी ने दर्शकों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी थी। श्याम बाबू राव और राजू के किरदार और उनकी जुगाड़बाजी को आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं। फिल्म के दूसरे पार्ट का अंत कुछ इस तरह हुआ था कि लग रहा था कि बहुत जल्द इसका तीसरा पार्ट दर्शकों का मनोरंजन करता दिखेगा। हालांकि अभी तक चाहने वालों की इच्छा पूरी नहीं हो सकी। वो लोग लंबे समय से इसके तीसरे पार्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब इस फिल्म के तीसरे पार्ट को लेकर ऐसी खबर आ रही है जिससे उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी सिनेमाघरों में इस तिगड़ी की वापसी हो सकती है। जी हाँ, साल 2000 में आई फिल्म हेरा फेरी की वापसी की इच्छा रखने वाले दर्शकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मशहूर फ्रेंचाइजी के मेकर्स ने फिल्म के तीसरे पार्ट को लेकर बड़ा बयान दिया है। हेरा फेरी के प्रोड्यूसर फिरोज नाडियावाला का कहना है कि हेरा फेरी का तीसरा पार्ट भी पुरानी स्टार कास्ट के साथ ही बनाएंगे और इसकी आधिकारिक घोषणा भी जल्द ही की जाएगी। पिछले दिनों परेश रावल ने हेरा फेरी 3 पर बयान दिया था कि अगर पहले जैसा रोल होगा तो वो फिल्म नहीं करेंगे। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता का ऐसा बयान सुन फिल्म के फैंस में मायूसी देखने को मिली थी, लेकिन फिरोज नाडियावाला के इस बयान के बाद फैंस में फिर से खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। दरअसल फिल्म के स्टार कास्ट ने दर्शकों के दिलों में ऐसी जगह बनाई जिसे किसी और को भी निभाते देख पाना शायद ही उनके पसंद आए। यही कारण है कि मेकर्स किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते। रिपोर्ट के अनुसार फिरोज नाडियावाला का कहना है कि अक्षय, परेश भाई और सुनील जी फिल्म में होंगे। स्टोरी पर काम हो रहा है, फिल्म वैसी ही बनेगी जैसे कि पहले थी और इसमें किसी तरीके का कोई बदलाव जो है वो नहीं किया जाएगा। फिरोज के इस बयान के बावजूद भी दर्शकों को बड़े पर्दे पर फिल्म के लौटने की बात पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा है। इसी कारण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर फिल्म के मीम्स बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं। वहीं कुछ लोग फिल्म के सीन की वीडियो क्लिप्स भी साझा कर रहे हैं। इस वायरल होती क्लिप्स और मीम्स के बीच एक यूजर ने लिखा कि कैसे मेकर्स अक्षय के साथ वापसी नहीं कर पाएंगे। वो लिखता है कि फिरोज नाडियावाला घोषणा नहीं कर पाएंगे और अक्षय कुमार का लाइनअप 2024 तक के लिए फुल हो जाएगा। तो अब ऐसे में हेरा फेरी 3 के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन दबा दें जिससे आपको हमारे आने वाले और वीडियोस की भी अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।